एमसीबी जिले के दौरे पर पहुंचे प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कांग्रेस को एक डूबती हुई नाव कहा है। ओपी चौधरी ने कहा कि कांग्रेस के नाव में छेद हो चुकी है जिसमें लगातार पानी भरता जा रहा है, तो ऐसे में लोगों को अपनी जान बचाने के लिए भागना ही पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने नारा दिया था कि भूपेश है तो भरोसा है, और उस भरोसे की सरकार जैसे नारे के साथ बीते 5 साल तक राज किया, मगर कांग्रेस की सरकार अपने कार्यकर्ताओं के ही भरोसे नहीं जीत पाई। पूरे छत्तीसगढ़ की जनता का कांग्रेस पर से विश्वास टूट चुका है, और आज यही वजह है कि अच्छी सोच वाले नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली पार्टी में कांग्रेसी कार्यकर्ता आ रहे हैं, जो देश के लिए भी अच्छा है और पार्टी के लिए भी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस एक डूबती हुई नाव है, नाव में छेद हो गया है, पानी लगातार भरता जा रहा है, तो अपनी जान बचाने के लिए सब लोगों को भागना ही पड़ता है जब ऐसी स्थिति रहती है। तो राजनीतिक रूप से अपने आप को बचाने के लिए कांग्रेसी साथियों को कांग्रेस जैसी डूबती नाव से बाहर निकलना पड़ रहा है। कांग्रेस अपना भरोसा, इन्होंने पहले नारा दिया भूपेश है तो भरोसा है, फिर उन्होंने कहा भरोसे की सरकार, भूपेश से कोई भरोसा नहीं है, आलाकमान को चुनाव से पहले ही समझ में आ गया। अब कांग्रेस से पूरी तरह से भरोसा उनके कार्यकर्ताओं का ही उठ चुका है। आप देख रहे हैं कि राजनांदगांव में किस तरह से कार्यकर्ता खुले मंच पर बात रख रहे हैं, कोई चिट्ठी लिख रहा है, और कांग्रेस से उनके कार्यकर्ताओं का ही विश्वास उठ चुका है। आज पूरे महासमुंद ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में हर जगह पर कांग्रेसी साथी कांग्रेस के प्रति अविश्वास के कारण कांग्रेस को छोड़कर भाजपा जैसे अच्छे सोच वाली नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली पार्टी में आ रहे हैं, जो देश के लिए भी अच्छा।